बंदरी गई है सुसु करने के लिए। और अब हमने इसकी एक अच्छी आदत ये डाल दी कि जब हम इसको सुसु या पोटी करवाने के लिए लेके जाते हम घर से ही इसका गले में पट्टा और इसकी चैन लेके जाते हैं, क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं पसंद करते भाई। एक मैं एक फ्रेंड थोर के पास पहुंच चुकी है, पूरे आराम से बैठी है उसके पास। चाय बन चुकी है, ये देखो बड़ी अच्छी शक्ल बड़ी अच्छी बनी है, लेकिन चाय भी हमारी बहुत अच्छी होती है। अब ये चाय पी के थोर ये जाएंगे थोर को घुमाने के लिए, और मैं करूँगी अपनी सफाई और डस्टिंग, और फिर वो भी दिखाती हूँ ऊपर का कितना पोर्शन कितना अच्छे ढंग से हम सेट कर चुके हैं। लो भाई अब इसके इनके पापा बेटे की मस्ती दिखाती हूँ मैं। ये देखियो अब ये घूम रहे थे, अब ये बैठेंगे और ये देखना अब ये देखिए देखियो ये अब मस्ती चलेगी इनकी जब तक चाय पियेंगे ना, ये बच्चा इनके गुड़े मुड़े होगा। ये ऐसे ऐसे मस्ती खारिश करवानी, हाथ मारते रहेंगे ये और ऐसे। और अभी अभी तो एक पोजीशन नहीं है, अब थोड़ी सी देर में बिल्कुल बच्चे की तरह गोदी में बैठेगा। ये देखो जो इसकी बचपन की आदत थी ना वो इसकी रूटीन अभी तक बड़ी हुई है, इसने चेंज नहीं करी है बड़ी। पहले सर्दियों में बेड पर, अब ये यहाँ लॉबी में नीचे बैठ के नीचे इनकी मस्ती से होती है पूरी। और बैठना तो भाई ये देखो अभी देखो देखते जाओ आप, अब इसकी ये एक्टिविटी चलती रहेगी, फिर दोबारा उठेगा फिर गोदी पर बैठेगा। जितना मेरे से कैप्चर हो सकेगा ना मैं करूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत आज मैं पूरा दिन की रूटीन दिखाएंगे भाई हम क्या करते हैं। आज संडे है तो आप लोग हमें अप्रिशिएट करना, क्योंकि हम डेली ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। आज से हमने शुरुआत करी है, अगर आप लोग हमें प्यार दोगे तो हम ये चीज़ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लो भाई ऊपर चलते हैं, ऊपर की बेडशीट मैंने ये वाली ले ली है, दिखा दूँ आपको। मानू के बेड पर ये वाली बिछाऊंगी। ऊपर की डस्टिंग सफाई आज मैं कर रही हूँ, संडे है अच्छे से, और मैं वो आपको दिखाती हूँ। डस्टिंग का कपड़ा ले लिया है मैंने, और मैं यहाँ से डस्टिंग करते हुए शुरू हो रही हूँ। पेड़ियों में मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं जैसे जैसे ऊपर चलती जाऊँगी मेरी रेलिंग को साफ करते हुए ही चढ़ती हूँ ऊपर। और ये बता देती मैं कि हमने सफाई वाली हटा रखी है, क्योंकि अब हम दोनों ही रहते हैं, फिर उनके नखरे टाइमिंग हमारे सेट बैठ नहीं रही, किस टाइम आती हैं किस टाइम क्या करती हैं। तो एक बंदा उनके पीछे स्पेशल रहो भाई, तब वो जाके हमारा काम बनता है। देखो इसमें कुछ छोटा मोटा मैंने चेंज किया है, वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तब तक मैं एक बार कर्टन कर दूँ पहले, ताकि सुबह सुबह आते ही सारे पंखे चल जाते हैं ये देखो, और सारे कर्टन हटा देती हूँ। फिर जब ये जाते हैं फार्म पे रचित के पापा, तो ये फिर कर्टन वगैरह खिड़कियाँ बंद कर जाते हैं। हमने ये हमारा रूटीन है, तो आज सोचा मैंने संडे है तो मैं यहाँ भी ये हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। और ये देखो ये कि ये कॉर्नर मैंने तैयार किया था, कैसा लगे आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो ये रचित की छोटी फोटो है, इसके पापा की हैं, मानी की हैं, और ये हमारी फैमिली की थी। ये ऐसे ही मतलब रखने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही थी मेरे को, तो इस चक्कर में कभी उस अलमारी में सेट कर दी, कभी पहले तो रचित की यहाँ लगी हुई थी, जहाँ पे रचित की ये लगा दी, ये कॉर्नर पे थी रचित की ये वाले। फिर ये सिल्वर बटन आने के बाद ये चीज़ें ये तो ये चीज़ सेट कर दी, तो इसलिए फिर ये रखी हुई थी अलमारी में। मैं सोचा भी कहीं तो वो करूँ, तो ये मैंने एक कॉर्नर ऐसा ढूंढा बच्चों की, जो ये लाइब्रेरी है रचित और की लाइब्रेरी, यहाँ पे वो मछलियों वाला रखा हुआ था, और ये मैंने ये पोट रख दिया। इस मौसम में वैसे थोर का खाना हमारा नीचे होता है, तो इस मौसम में नीचे ये होता है कि कहीं कोई अनाज वगैरह भी रखे हुआ स्टोर में, उसमें कीड़े वगैरह ना हो जाए, तो उस टाइम के लिए हमने थोर का जो फीड है वो यहाँ रखा हुआ है। ये इसमें इस साइड अलग से कॉर्नर बना रखे मैंने, तो मैंने अपनी तरफ से छोटा छोटा करके मेंटेन करा है ये,
ठीक, ये मैंने ये लाइट भी ऐसे रख रखी थी ऊपर छोटा छोटा करके, थोड़ा सा घर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और बढ़िया टाइम पास कर रहे हैं। और एक चीज़ और, ये चीज़ जो ऊपर ले रखी है हमने, एक हमारा बुद्धा, ये मेरी फ्रेंड दे के गई थी मेरे को गिफ्ट, तो मैंने ये भी लगा दिया। और तो वही चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। तो अब थोर तो गया है भाई अपने पापा के साथ घूमी घूमी करने के लिए, और मैं कर रही हूँ ऊपर की डस्टिंग, सफाई और पैड़ियों की। तब तक वो घूम के आ जाएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे और फिर नीचे की डस्टिंग मैं और रचित के पापा दोनों मिलके करेंगे, और फिर सफाई, फिर थोर को नहलाएंगे। ये रूटीन मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, मैं बता देती हूँ और फिर मैं ये चीज़ें दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो थोर और थोर के पापा, थोर की नाई नाई हो रही है अच्छे से। हाँ जी, क्या कहना है थोर की नाई नाई के बारे में? हाँ देखो, और मैं ऊपर सफाई कर रही हूँ, ये थोर को नहला रहे। अब थोर नहा के, थोर की चतरे देखो टंग रही है, तो पहले एक से साफ करेंगे फिर दूसरी पे मस्ती मरवाएंगे इसके। ऊपर आके देखो आप, थोर का खाना तैयार हो चुका है। हम ये भिगो चुके हैं इसका खाना पनीर के अंदर, इसका फीड है ये। ये देखो हम दिखाते हैं आप लोगों को, ये 15 से 20 मिनट लगती है इसका खाना तैयार होने में। जैसे थोर नीचे गया था मैंने इसका खाना तैयार कर दिया था। अभी भाई साहब नहा चुका है और खाना खा चुका है। ये बेड हमारा, ये बेडरूम भी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। देखो जी मानू का बेडरूम, ये मानू का बेड है। और सो चुका है, नहा दो, खाना भी खा लिया, ये सुती है आराम से खाना बना खा के, आराम से सोता है। और खाना हमारा भी तैयार हो गया, बर्तन साफ कर लेंगे। और क्या बनाया है? छोले चावल, छोले और चावल खाएंगे। अभी मसाला तैयार हो गया, बनाऊंगी अभी मसाला बना हुआ है। ठीक है ठीक है, आप नहाओगे इतना तैयार हो जाएगा। सही, मैं एक बार ऊपर और दिखा जाता हूँ कैसी सेटिंग कर रखी है सारी एक बार। चलो दिखाता हूँ आपको। चलो कई दिन हो गए ऊपर आए, बढ़िया वाली सेटिंग होगी ऊपर वाली। क्या चेंज करया है कुछ देखे क्या? वाह जी, ऊपर आके निहाल हो जाए, मजा सा आ जाए, अलग ही व्यू है ऊपर का, एक नंबर का। क्या चेंज किया भाई बच्चों ने? इन्होंने ये चेंज किया, ये कन्नों की फोटो, मानो की फोटो, ये कन्नों की, ये कन्नो कन्नो कन्नो, ये आगे मानी, और ये है कन्नो, एक ये है कन्नो की मेरी, ये हमारी, ये कन्नो मानो और परी। कैसी लगी आपको ये फोटो बताना जरूर कमेंट करके। ये देखो बाकी सारा सेम है भाई, ये हमारा गेस्ट रूम, ये कन्नू का बेड रचित का, ये रचित की वॉल, ये एक सब्सक्राइबर ने दिया था रचित को, उसका धन्यवाद। ये उसका सिल्वर बटन है, ये उसका, देखो भाई साहब कैसा है। हाँ जी लो जी, खाना लगा दिया है, मैंने नहीं इन्होंने क्योंकि मैं नहा रही थी खाना बनाने के बाद, किचन कुचन साफ होने के बाद, इनका इनके इन्होंने मेरे लिए किया है ये सब। इन्होंने खाना लगाया है, सलाद काट दिया, लस्सी डाल दी, लस्सी रोल रखी है, इसमें चावल है, इसमें छोले हैं, हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। हाँ जी अब क्या करें, अब हम खाना खाएंगे और आप लोग का एंड कर दो खाने के बाद। आज आज अभी इतना ही काफी है। हाँ क्योंकि हमारी पहली शुरुआत है डेली ब्लॉग की, मिलते हैं अगले वीडियो में।
हाँ बिल्कुल, थैंक यू, बाय बाय।